दोस्तों स्वागत है आप सबका मेटा के और एक नए एपिसोड में। और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है यार दोस्तों डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड के बारे में। डॉक्टर ट्रस्ट जो कि यहाँ पे ओन किया जाता है डाइटर ऑफ न्यूरो का प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पे एक ईसीजी पेन लॉन्च किया मार्केट में। इस ईसीजी पेन की मदद से यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को मॉनिटर करना घर से बहुत आसान हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर की जो एक्टिविटीज होती है या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होती है, कई सालों तक ये जो चीज़ें होती है बहुत साइलेंट रहती है, लेकिन कुछ सालों बाद ये डायरेक्टली हमें दिख जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो ईसीजी पेन, इस मदद से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक करना पहले से ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो अपडेट है यार दोस्तों एस्टर डीएम हेल्थकेयर के बारे में, और ये जो अपडेट आ रहा है फिलीपींस के बारे में। यहाँ पे एस्टर ने उनके जो ऑपरेशन थे क्लिनिक्स के जो ऑपरेशन थे उसको यहाँ पे फिलीपींस कंट्री से शट डाउन किया, क्लोज किया। हालांकि इसके जो रीजन थे उनके लॉस मेकिंग थे। यहाँ पे उनके जो जितने भी सारे क्लिनिक्स यहाँ पे फिलीपींस कंट्री में चल रहे थे वो सारे के सारे क्लिनिक्स यहाँ पे लॉस मेकिंग में थे। इस वजह से यहाँ पे उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम लिया है। यहाँ पे दोस्तों अगला जो अपडेट है यार दोस्तों आपके स्लीप के बारे में, आपकी नींद के बारे में। ऐसे एक स्टडी ने बोला है कि अगर आप मोर देन 9 आवर्स यहाँ पे स्लीप लेते हो, ज़्यादा देर तक आप सो जाते हो, तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक जो होता है उसकी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है आपके बॉडी में। आप सब लोग को पता है कि अगर स्ट्रोक बॉडी में आता है तो इस वजह से कई बार लोग की मौत भी हो जाती है। तो स्ट्रोक बढ़ने के कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आप ज्यादा देर तक यहाँ पे सो जाती हो। अभी दोस्तों अगला अपडेट है, अपडेट आ रहा है दोस्तों बायोजन कंपनी के बारे में। बायोजन ने यहाँ पे हॉल्ट किया उनका डेवलपमेंट ऑफ थेरेपी फॉर रियर ब्रेन डिसीज। इनका बहुत बड़ा यहाँ पे रिसर्च चल रहा था ब्रेन डिसीज के लिए, जिसको यहाँ पे उन्होंने हॉल्ट किया। इसके रीजन अभी तक पता नहीं चले। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों आपके की मेडिसिन के बारे में। आने वाले दिनों में यहाँ पे 21 फॉर्मुलेशन के जो प्राइजेस है उसको यहाँ पे हाइक किया जाने वाला है, और लगभग ये जो प्राइजेस है वो लगभग 50% से इंक्रीज़ होने वाली है। हालांकि इनके नाम क्या है आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे की मेडिसिन के प्राइजेस है वो यहाँ पे कुछ दिनों में कॉस्टली होने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट जो है अपडेट आ रहा है कैंसर पेशेंट्स के बारे में। और अपडेट आ रहा है कि 90% जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो अपने इलनेस के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे एक रिपोर्ट ने बताया, यानी किसी भी इंसान को जब भी कैंसर होता है तो क्यूरियस होता है, या फिर हम सकते हैं थोड़ा सा उसको आशा होती है कि अपने डिसीज के बारे में, अपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उसको पता चले। ऐसा एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अभी दोस्तों अगला अपडेट है बहुत अच्छा इनिशिएटिव अपडेट आ रहा है दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट के बारे में। और अपडेट आ रहा है दोस्तों उनके सिग्नल लाइट्स के बारे में। आज की डेट में अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए तो यहाँ पे अगर वो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक में बहुत देरों तक यहाँ पे वो रख रहती है, उस वजह से यहाँ पे कई बार पेशेंट की मौत भी हो जाती है। इंडिया में स्पेशली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जब भी कोई यहाँ पे एम्बुलेंस यहाँ पे सिग्नल के नज़दीक आ जाएगी तो सिग्नल का जो लाइट्स होती है यहाँ पे रेड लाइट या फिर बोल सकते हैं येलो लाइट जो होते हैं, ग्रीन लाइट जो होता है, ये सारे लाइट के इन सारे लाइट की जगह पे आपको एम्बुलेंस का सिग्नल, एम्बुलेंस की इमेज आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है। इस वजह से यहाँ पे लोगों को पता चलेगा अपने ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस है, जिस वजह से एम्बुलेंस को निकलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये जो चीज़ ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाएगी सिर्फ और सिर्फ सेंसर की वजह से, यानी एम्बुलेंस में यहाँ पे सेंसर लगा होगा और इस एम्बुलेंस के सेंसर की वजह से यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अभी दोस्तों अगला जो अपडेट है यार दोस्तों फिर से ICMR के बारे में, लेकिन उससे पहले अपडेट आ रहा है दोस्तों ब्रिस्टल मायर्स कंपनी के बारे में। ब्रिस्टल मायर्स ने यहाँ पे $752 मिलियन का जो US पेटेंट का जो केस था उसे यहाँ पे जीत लिया है। ऐसा उन्होंने यहाँ पे केस दायर की थी यहाँ पे जूरी में कि जिलेट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इन्होंने यहाँ पे उनका पेटेंट चुराया है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट की केस उन्होंने डाली थी और इस वजह से यहाँ पे उन्हें लगभग $752 मिलियन का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि बहुत 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 अच्छा अपडेट है। यहाँ पे ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी आ गया और अगर आपको लगा चैनल में अच्छा सेकंड डेट, आई एम सॉरी यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल डोला है बीच में, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लगे चैनल में अच्छा सेकंड डेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई अच्छे से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।